इट्स ऑलमोस्ट 2 AM रात के, एंड अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आवाज़ आ रही है? सी क्या क्या करना पड़ता है। मैं इसे अवॉइड करने के लिए रात को वीडियोस बनाती हूँ, एंड ये अभी भी आ गया। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, माई सेल्फ गौरी, एंड येस वेलकम बैक टू माई चैनल एंड फॉर टूडेज वीडियो। ओ माई गॉड, मैं इतनी एक्साइटेड थी फॉर लास्ट 2 डेज, अगेन से 2 डेज। आपने ऑलरेडी थंबनेल एंड सब टाइटल्स नहीं, क्या बोलते हैं, टाइटल दे के आपको पता चल ही गया होगा कि वाई आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ब्यूटी विच इज़ न्यूली लॉन्च्ड के ब्यूटी लिक्विड HD लिक्विड कंसीलर। आई एम सो एक्साइटेड एंड मैंने इसे ऑलरेडी ट्राई कर दिया है, लाइक आपको पता चलेगा आगे। मैं इसके बारे में फुल इन डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, बट लेट मी टेल यू, आई एम इम्प्रेस्ड, लाइक आई एम इम्प्रेस्ड 99%, एंड 1% क्यों नहीं आपको डेफिनेटली आगे पता चल जाएगा। बट लेट मी लाइक लेट्स टॉक थोड़ा सा अबाउट दिस अ प्रोडक्ट विच इज़ लिक्विड कंसीलर फ्रॉम के ब्यूटी, एंड दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग, अगेन सो स्लीक एंड सो क्लासी। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको आपका शेड मिल जाएगा, लाइक लुक एट दैट टॉप ऑफ द, लाइक जहाँ से हम ओपन करते हैं यहाँ पर आपको शेड मिल जाएगा, विच इज़ गुड। एंड दिस इज़ द कंसीलर, ओह माय गॉड, सो दिस इज़ द कंसीलर। एंड अगेन बॉटम में आपको आपका शेड नेम मिल जाएगा, विच इज़ सो कन्वीनियंट, एंड अगेन अ प्लस पॉइंट कि यहाँ पे एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे लिख के आता है। ये तो हर आउटर पैकेजिंग पे होता है, बट यहाँ पे भी है, लाइक आपको जो ये कंसीलर लाइक प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे भी इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट है, सो इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर आपका ये भी गुम हो जाता है, आई एम डैम श्योर होता ही होगा, अगर मैं तो फेंक ही देती हूँ, दूसरे दिन ही फेंक देती हूँ, सो अगर ये भी चला जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपका शेड नेम भी मिल जाता है एंड कब एक्सपायर हो रहा है वो भी मिल जाता है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। एंड ये क्लियर लाइक ट्रांसपेरेंट है, तो आपको शेड भी पता चल जाएगा देख के, सो दैट्स कन्वीनियंट। आपको ज़्यादा लाइक बस इट्स कन्वीनियंट, आपको देख के पता चल जाएगा कि आपका शेड है या नहीं। अगेन स्वॉच विज तो वो तो ऑब्वियसली आप करना ही है, बट स्टिल, सो इट कम्स विद अ डोफूड एप्लीकेटर एज यूजुअल, जो हर कंसीलर में होता है वैसे। एंड आपको इसमें प्रोडक्ट मिल जाता है 3.8 ग्राम, आई नो बहुत कम है, एनी डिटेल्स फॉर 799 मेरे लिए, इसीलिए मैंने 1 पॉइंट कट किया था, जस्ट बिकॉज मुझे ये ज़्यादा लाइक एक्सपेंसिव लगता है अकॉर्डिंग टू लाइक, अगर मुझे इसमें 6 या फिर 7 लाइक 6 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता, 5.8 या 6 ग्राम, तो भी मैं बहुत खुश हो जाती, क्योंकि के ब्यूटी के सभी प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 600 से 1200 के बीच में ही है। कोई भी प्रोडक्ट 6 के भी, आई डोंट थिंक 600 के अराउंड भी कोई है। अगर नायका पिंक फ्राइडे सेल होता है तो तब आई थिंक ज़्यादा ऑफर में होता है, बट आई डोंट थिंक 700 के नीचे कोई भी है के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, तो आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा प्राइजी है। 3.8 ग्राम के लिए आई एम डैम श्योर ये बहुत ज़्यादा है, अगर आपको 5.8 या 6 ग्राम भी मिल जाता तो मैं बहुत खुश हो जाती, एंड 799 फॉर सच अ ब्यूटीफुल कंसीलर, आई डोंट थिंक ये वेस्ट है। बट येस, अगर आपको आपका एग्जैक्ट शेड मिल जाता है तो बिल्कुल भी बमर नहीं है, बट अगर आपको आपका शेड नहीं मिल रहा है तो आप रिग्रेट करोगे, जैसे मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं इसे बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकती, बट स्टिल आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे मैंने ही खुद गलती कर दिया मेरा शेड ढूंढने में। बट एनीवेज हम उसे इग्नोर करेंगे, एंड आफ्टर इग्नोरिंग द पॉइंट कि ये मेरा शेड नहीं है, अगर ये मेरा शेड एग्जैक्ट मिल जाता तो आई मस्ट टेल यू, मैं इसे आपको 100% रिकमेंड करूँगी, आपने एक बार तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। एंड या दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा और क्या बताओ। एंड अगेन मैंने कुछ ज़्यादा लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई ज़्यादा सब शेड्स नहीं मंगाए, क्योंकि मैं अकेली उनमें ज़्यादा मेकअप नहीं ज़्यादा लाइक अप्लाई करती, एंड मुझे आपके साथ जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस या फिर रिव्यू शेयर करना था, इसीलिए मैंने ये लाइक विद इन 3 आवर्स मैंने इसे परचेस कर लिया, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने इसे परचेस कर लिया। मैं इसे अगेन जुगाड़ करके मैं डेफिनेटली इसे यूज़ करूँगी, क्योंकि 799 800 का प्रोडक्ट है, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ऐसे ना तैसे करके डेफिनेटली। एंड या दैट्स इट, मुझे अच्छा लगा ओवरऑल, सो फॉर डेमो पर्पस, फॉर रिव्यू पर्पस, लाइक एक्चुअल आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ फर्स्ट फाउंडेशन जस्ट टू लाइक, मैंने ऑलरेडी मेरा स्किन बहुत अच्छे से प्रेप कर लिया है, क्योंकि हमें
कंसीलर को फुल फेयर चांस देना है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट. तो मैंने बहुत मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन लगा दिया है एंड नाउ लेट्स टेस्ट दिस ब्यूटी. आई डोंट नो, मेरा लाइक माइंडसेट ऑलरेडी सेट है लाइक माइंड कि ये बहुत अच्छा वर्क करेगा. आई डोंट नो व्हाई, मेरे पास ज़्यादा के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स भी नहीं है बट स्टिल. सो लेट्स सी एंड आई होप कि मेरा मैच हो. ओके, इट हैज़ दैट स्मेल बट ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है. आई थिंक ये मेरा डार्क शेड हो जाएगा. ओ माई गॉड, दिस इज द शेड. लाइक एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट फुल कवरेज एंड आई थिंक ये मेरे बहुत डार्क हो जाएगा. ओ नो, लाइक यस, ये मेरे डार्क होने वाला है. इट्स वॉर्म, लाइक वॉर्म अंडरटोन में है लाइक एंड इट्स सो क्रीमी, बहुत क्रीमी है. एंड अगेन डो फुट एप्लीकेटर है लाइक यूजुअल. जैसे यूजुअल कंसीलर्स में आता है लाइक दैट. हम थोड़ा इसे आई थिंक थोड़ा सेट होने देंगे एंड एक साइड पे मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर एंड एक पे हम यूज़ करेंगे ब्रश. सो लेट्स सी, आई थिंक ये फुल कवरेज होने वाला है. आई डोंट नो वाई बट मुझे ऐसा फील आ रहा है, बट लेट्स सी. ओके, ड्राई डाउन हो गया बहुत जल्दी. I think it's too dark for my skin tone. But the blend बहुत easy तरह से हो रहा है. Look at that, blend बहुत easily हो गया. And it's medium coverage. For sure it's medium coverage. Look at that. Now let's go with the brush. आई थिंक ब्रश से ज़्यादा कवरेज मिल रहा है. लुक एट दैट, एज यूजुअल ब्रश से ज़्यादा ही कवरेज मिलता है जब भी आप कंसीलर फिर फाउंडेशन कुछ भी अप्लाई करो. बट मेरे लिए लाइक स्पेशली आई गो फॉर ब्यूटी ब्लेंडर्स क्योंकि मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है. आई डोंट नो व्हाई. एज यू ऑल कैन सी, ये डेफिनेटली मेरे स्किन टोन का नहीं है, ये एक टोन डार्क का है. बट लेट्स सी, आई थिंक इट्स गुड, लाइक अच्छा है, बहुत ईजीली ब्लेंड हो रहा है एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दे रहा है एंड ड्राई डाउन भी जल्दी हो रहा है. लेट्स अप्लाई दी सेकेंड कोट एंड लेट्स सी कि ये बिल्डेबल है कि नहीं. आई थिंक मुझे एक शेड ज़्यादा लाइट जाना चाहिए था, माई बैड. ओके, नाउ लेट्स ब्लेंड दैट अगेन. ये बहुत क्रीमी है लाइक बिल्कुल भी ब्लेंड होने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा बिल्कुल भी. लुक एट दैट, अगर ये मेरे शेड का होता तो इट वुड हैव वाव बीन बेटर, अगर मेरे स्किन टोन का होता तो. बट ओके, हम इसे वर्क कर लेंगे ऐसे नहीं तो वैसे ही सही. लाइक यू कैन टोटली सी द डिफरेंस, ये मेरे स्किन टाइप का फाउंडेशन है एंड ये थोड़ा डार्क है. अब विद द ब्यूटी ब्लेंडर आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग इन. जस्ट यहाँ पे एक लाइन बन गया था बिटवीन द कंसीलर एंड फाउंडेशन. आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दैट इन. सो आई थिंक एंड एवरी डे के लिए तो ये बहुत डेफिनेटली अच्छा है एंड बिल्कुल भी मेरी ड्राई स्किन है बट इसने बिल्कुल भी मेरे अंडर आइज ड्राई नहीं किए हैं, बिल्कुल भी नहीं. सो इट्स अ प्लस पॉइंट. थोड़ी देर वेट करते लाइक 5 टू
10 seconds and let's see कि इसने ये कंसीलर क्रीज होता है कि नहीं होता, let's see. But अभी तक तो इट्स अ गुड कंसीलर, लाइक आई लव इट. सो इट्स ऑलमोस्ट 15 से 20 seconds मैंने वेट कर लिया एंड मुझे ऑनेस्टली एक भी क्रीज लाइन नहीं दिख रही है, एक भी, लुक एट दैट, एक भी क्रीज लाइन नहीं है, विच इज सो गुड. क्रीज लाइन तो बिल्कुल नहीं है एंड बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी ड्राइंग कंसीलर नहीं है. सो दैट्स 10/10 फॉर ड्राई स्किन पीपल, क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कोई भी कंसीलर ऐसा हो जो बिल्कुल भी ड्राई आउट ना करे. एंड एज अ ड्राई स्किन पर्सन आई एम सो हैप्पी. सो मैं इससे पहले सेट कर दूँगी, आई एम जस्ट गोइंग टू सेट एवरीथिंग इन प्लेस एंड लेट्स सी. सी मैंने एक लाइटर लाइक थोड़ा सा हाइलाइटिंग कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर दिया तो इट्स टोटली वर्किंग फॉर मी. आपको पता भी नहीं चलेगा कि भी मेरे शेड से थोड़ा डार्क है, मुझे तो बिल्कुल भी डार्क नहीं लग रहा, आपको लग रहा है? सी आई टोल्ड यू मैं इसे वर्क कर लूँगी कैसे भी करके. लुक एट दैट, इट्स सो गुड, आई लव दिस कंसीलर, आई लव इट. सी पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया मेरा, आई एम हैप्पी. क्योंकि कंसीलर ऐसी चीज़ होती है, लाइक कंसीलर या फिर फाउंडेशन बोल लो, आप उसे मिसमैच करके कैसे भी काम कर सकते हो, लाइक वर्कआउट कर सकते हो. सो दैट्स नॉट अ बमर फॉर मी लाइक राइट नाउ. मैं थोड़ा सा पहले डिसअपॉइंट थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया. आई लव इट, इट्स माई बैड कि मैंने ये गलत शेड, लाइक टोटली गलत नहीं है कि मैं इसे यूज़ नहीं कर सकती, बट अगर मेरे शेड का एग्जैक्ट मेरे शेड का मिल जाता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, बट नेवरदलेस ये मेरी गलती है. सजेस्ट कि आपको अगर डेली वेयर के लिए कोई कंसीलर चाहिए तो गो फॉर दिस, ब्लाइंडली आई एम टेलिंग यू, गो फॉर दिस. ये आपके अंडर आइज को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा, लाइक मैंने अभी आपके सामने डेमो दिखाया कि ये बिल्कुल भी ड्राई आउट ड्राइंग कंसीलर नहीं है. एंड एज अ ड्राई फैमिली पर्सन मेरी स्किन बहुत ड्राई है, फिर भी इसने मुझे ड्राई आउट नहीं किया, विच इज़ सो गुड. एंड इस पर लिखा भी है, लाइक यहाँ पर लिखा भी है, एनरिच्ड विद मारूला एंड रोज हिप ऑयल, विच इज़ सो गुड. एंड अगर आपके ज़्यादा ही डार्क सर्कल्स है तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले अपना कलर करेक्ट कर लो अपने डार्क सर्कल्स को, एंड देन आप कोई भी कंसीलर लगाओ. अगर आप कलर करेक्ट नहीं करोगे तो आपका कंसीलर ऐशे दिखने लग जाएगा, विच जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी. अगर कैमरा पे अच्छा लग जाएगा बट इन पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा. सो मेक श्योर अगर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो आप पहले उसे कलर करेक्ट कर लो, एंड देन आप कुछ ऐसा जो भी आपको कंसीलर अप्लाई करना है आप कर सकते हो, तो आपका कंसीलर बहुत अच्छा लगेगा. मैंने आज ज़्यादा कुछ फुल फेस ऑफ मेकअप नहीं किया है, लाइक ज़्यादा बोल्ड, जस्ट टू कीप दैट हाईलाइट. लाइक आज का पूरा हाईलाइट है लाइक कंसीलर, एंड आई एम इम्प्रेस्ड. मैं देख रही हूँ कि कोई क्रीज, लाइक फिर भी सेट करने के बाद क्रीजेस पड़ जाते हैं, वो है कि नहीं, एंड आई मस्ट टेल यू एक भी क्रीज लाइन नहीं है. आई एम हाईली इम्प्रेस्ड. बट लाइक आप देख सकते हो डिफरेंस, लाइक यहाँ पे लुक एट दैट, ये स्किन एंड ये थोड़ा सा लाइक डार्क लग रहा है मेरी दिस स्किन से, लाइक यूजुअल स्किन टोन से. अगेन इट्स माय बैड, मेरी गलती है, बट ओवरऑल आई लव दिस कंसीलर. लुक एट दैट, ये बिल्कुल भी लाइक पैची नहीं, बिल्कुल भी है ना, हाँ बिल्कुल भी पैची नहीं है, दैट्स द मेन पॉइंट. मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे पास ज़्यादा कंसीलर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, एंड मुझे ज़्यादा मेकअप का पता भी नहीं है. ऑनेस्टली मैं आपसे एकदम ऑनेस्टली बात करूँगी कि मुझे ज़्यादा मेकअप की पता भी नहीं है, बट जितना मुझे फर्स्ट इंप्रेशन लगता है, लाइक मेकअप तो अब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो मेकअप का आपके फेस पे, तो आपको पता चलना ही चाहिए, आपको पता चलता ही होगा कि कैसा है कैसा नहीं है. तो लाइक फर्स्ट इंप्रेशन आई सी कि आई लव इट, ऐसा भी नहीं कि आई लाइक इट, आई लव इट, आई टोटली लव इट. इफ़ यू आस्क मी कि मैं इसे 100% आपको सजेस्ट करूँगी, तो माई आंसर वुड बी नो. मैं इसे 100% बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि 799 विच इज़ ऑलमोस्ट 800 में आपको मिलता है ओनली 3.8 grams, बस इसी के वजह से, बस इसी के वजह से मैं आपको ये टोटली सजेस्ट नहीं करूँगी. एंड अगर आपको ये सब मैटर नहीं करता कि कितने में कितने पैसे में कितना क्वांटिटी मिलता है, अगर ये आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता, तो आई हाईली सजेस्ट गो फॉर दिस. एक बार तो आपने ये ट्राई करना बनता ही है, एंड मेक श्योर कि आपका राइट शेड हो. अगर राइट शेड नहीं होगा तो ऐसा कुछ बमर हो जाएगा. लुक एट दैट, अभी भी शो होके आ रहा है कि ये शेड मेरा नहीं है, इट्स
टू वार्म फॉर मी, आई डोंट नो वाई, ये मुझसे कैसे गलती हो गया यार, हमेशा हर एक कंसीलर मुझसे सही है. आई शो यू, वेट, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है एंड लुक एट दैट, सी ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया है. सो दिस इज़ माई शेड एंड लुक एट दिस शेड, इट्स टू वार्म फॉर मी बट नेवर माइंड, मैं इसका अगेन मेरा शेड डेफिनेटली मैं इसे ऑर्डर करने वाली हूँ, मेरा एग्जैक्ट शेड. एंड तब 99 जो मैं अभी 10 में से 9 रेट करती हूँ, तो आई एम डेफिनेटली श्योर तब मेरा 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी लाइक इसके नेगेटिव एक भी पॉइंट नहीं है मेरे पास, बस एक ही है विच इज़ आपको 799, 800 में आपको सिर्फ 3.8 ग्राम मिलता है, बस दैट्स इट, एंड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. एक ही नेगेटिव पॉइंट है मेरी तरफ से जितना मुझे मेकअप समझ में आता है. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, दैट वॉज माई रिव्यू ऑन के ब्यूटी HD लिक्विड कंसीलर. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, डू चेकआउट एंड अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट चेक दिस आउट. लाइक एक बार तो आपने ट्राई करना बनता है, आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है. सो डू चेक दिस आउट एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. एंड इफ़ यू वॉन्ट कि मैं कुछ और भी प्रोडक्ट्स ट्राई करूँ, देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई, आई विल बी मोर देन हैप्पी कि अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करो कि ये ट्राई करो या वो ट्राई करो, आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट स्टफ या प्रोडक्ट वॉट एवर. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. पूरा वीडियो आप देखते हो बट आप लाइक करना भूल जाते हो, तो मेक श्योर आप एक लाइक ज़रूर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ जैसे मैं अभी बना रही हूँ. सो मेक श्योर आप एक लाइक डेफिनेटली दे रहे हो एंड सब्सक्राइब भी कर दो एंड बेल आइकन जो साइड में होता है उसको भी हिट कर देना, क्योंकि जब जब मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय.